डिस्कस अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो हमारी फाइलोजेनेटिक एनालिसिस या बोले तो मॉलिकुलर सिस्टमैटिस्टिक्स में और टैक्सोनॉमी में यूज होती है। ठीक, तो पहला हमारा है मोनोफाइलेटिक ग्रुप, पैराफाइलेटिक ग्रुप एंड पॉलीफाइलेटिक ग्रुप। इसको समझने के पहले एक ट्री बना लेते हैं हम लोग फाइलोजेनेटिक ट्री। ठीक है, इसको दे देते हैं नाम एक डिसेंडेंट का, इसको टू, इसको थ्री, इसको फोर, इसको फाइव, इसको सिक्स। ठीक, और इसका मेन कॉम्पोनेंट इसका ये है, फिर ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये। तो पहले हम समझेंगे क्या होता है मोनोफाइलेटिक ग्रुप। मोनोफाइलेटिक ग्रुप मतलब सिंगल लाइनेज। ठीक, अब मोनोफाइलेटिक ग्रुप को हम एक क्लैड भी बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं क्लैड। ठीक है, तो इट इज द कंपोज्ड ऑफ एन एंसेस्टर एंड ऑल इट्स डिसेंडेंट्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो एंसेस्टर होता है वो अपने सभी, उसके जो डिसेंडेंट्स होते हैं वो सब कॉमन होते हैं और क्लोजली रिलेटेड होते हैं दूसरे के। तो इस ट्री में हमें देखना है कि कौन सा मोनोफाइलेटिक ग्रुप बन रहे हैं। ठीक है, अब जैसे हम बात के लिए करिए, यहाँ से एंसेस्टर स्टार्ट हुआ, ये डाइवर्ट हुआ वन में एंड इधर वाली ब्रांच में ये। ठीक है, अगर हम इसे कंसीडर यहाँ पे करें तो ये मान लो वन इज आउट ग्रुप और ये इसका सिस्टर ग्रुप है। ठीक है, लेकिन आउट ग्रुप के बारे में हम बाद में बताएंगे क्या है। तो ये यहाँ से डाइवर्ट हुआ और एक ये ब्रांच। ठीक है, अब यहाँ पे फिर देखो एक एंसेस्टर बना, यहाँ से डाइवर्सिफिकेशन हुआ इधर, और फिर यहाँ से एक एंसेस्टर बना इधर हुआ टू एंड थ्री में डाइवर्सिफिकेशन, फिर एक एंसेस्टर यहाँ पे बना जो फोर एंड एक यहां से फिर फाइव एंड सिक्स में। ठीक है, तो हम यहां से कर लेते हैं ए बी सी डी ई नेम। ठीक है, तो हम देखें सी वाले को, अगर देखें तो सी वाला है, इसका एंसेस्टर है और इसके जो डिसेंडेंट्स हैं वो दोनों के सेम है, मतलब कॉमन एंसेस्टर, सबसे कॉमन एंसेस्टर इसके यही है। ठीक है, तो सी इज अ मोनोफाइलेटिक ग्रुप, इसे हम क्या बोलेंगे, मोनोफाइलेटिक ग्रुप, मोनोफाइलेटिक ग्रुप। ठीक है, C is a monophyletic group because it is composed of an ancestor and all its descendants. जो ये है, इसका जो ancestor है, इसके सभी descendants common हैं। ठीक है, और तो वो closely related हैं दूसरे के। ठीक है, जो descendants हैं उनका common ancestor है। लेकिन अगर हम बात करें, अगर पांच से बात करें थ्री और फोर को हम monophyletic group consider करें तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे इसका ancestor अलग है और यहाँ पे इसका ancestor अलग है। ठीक है, तो इसे हम मोनोफाइलेटिक ग्रुप कंसीडर नहीं कर सकते हैं। अब हो गया ये मोनोफाइलेटिक ग्रुप हो गया। मोनोफाइलेटिक ग्रुप की एक प्रॉपर्टी होती है एक्सक्लूसिविटी। एक्सक्लूसिविटी मींस होता है कि टू डिसेंडेंट्स आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के बहुत ज्यादा रिलेटेड होते हैं, इसे हम सिस्टर ग्रुप भी बोलते हैं। ठीक है, सिस्टर टैक्सा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिस आर अ सिस्टर टैक्सा। ठीक है, अब हम बात करेंगे पैराफाइलेटिक ग्रुप। पैराफाइलेटिक ग्रुप क्या होता है, दिस इंक्लूड्स मोस्ट रीसेंट कॉमन एंसेस्टर एंड ओनली सम इट्स डिसेंडेंट्स। जो ये होता है, ये मोस्ट कॉमन रीसेंट एंसेस्टर को तो इंक्लूड करता है, लेकिन कुछ ही डिसेंडेंट्स को इंक्लूड करता है, सभी डिसेंडेंट्स को इंक्लूड नहीं करता है। आगे क्या है, द मेंबर इंक्लूड्स इन दिस ग्रुप हैव शेयर्ड एंसेस्टर कैरेक्टर स्टेट्स दैट इज एन एपोमॉर्फिक कैरेक्टर स्टेट। ठीक है, एपोमॉर्फिक कैरेक्टर स्टेट शो करता है, मतलब एडवांस कैरेक्टर स्टेट शो करता है। ठीक है, दो टर्मिनोलॉजी और यूज होती है, एपोमॉर्फिक प्लिजियोमॉर्फिक। प्लिजियोमॉर्फिक मींस होता है प्रिमिटिव, एपोमॉर्फिक मतलब होता है एडवांस। ठीक है, तो यहां पे अगर हम इस वाले ग्रुप को लेकर चले, अगर हम मोस्ट इसका चौथे का मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर क्या है, डी, और इसके लिए फिर ये फाइव के लिए भी यही कंसिडर करेंगे डी। ठीक है, क्योंकि यहां से बाद में डाइवर्ट हुआ फिर फाइव और सिक्स में। तो अगर इस वाले ग्रुप को हम लेकर चले, ठीक है, तो हम देखेंगे कि डी एंड ई, डी इज द मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर फॉर अ फोर एंड फाइव, बट
मतलब यहाँ पर मैंने जो सिक्स है उसे छोड़ दिया, क्योंकि बोला क्या है, बोला यह है कि डी इंक्लूड्स मोस्ट रिसेंट कॉमन एंसेस्टर एंड ओनली सम ऑफ इट्स डिसेंडेंट्स, कुछ ही डिसेंडेंट्स लेने हैं, सभी डिसेंडेंट्स नहीं लेने हैं, ठीक है। तो हमने सिक्स को नहीं लिया, तो इसे बोल देते हैं पैराफाइलेटिक ग्रुप। क्या बोल देते हैं? पैराफाइलेटिक ग्रुप, पैराफाइलेटिक ग्रुप, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें पॉलीफाइलेटिक, पॉलीफाइलेटिक इज अ वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, फोर एंड फाइव हो गए हमारे पैराफाइलेटिक ग्रुप, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसकी, बात करेंगे पॉलीफाइलेटिक। इसमें क्या बोल रखा है, मेंबर ऑफ दिस ग्रुप डू नॉट शेयर द सेम रीसेंट कॉमन एंसेस्टर, इसके जो डिसेंडेंट्स होते हैं वो कॉमन रीसेंट कॉमन एंसेस्टर्स हो नहीं करते, मोस्ट रीसेंट कॉमन एंसेस्टर्स हो नहीं करते हैं। अब जैसे हम मान लो टू एंड थ्री का मोस्ट रीसेंट कॉमन एंसेस्टर सी है, फाइव एंड सिक्स का मोस्ट रीसेंट कॉमन एंसेस्टर ई है, अगर हम थ्री और फाइव को कंसिडर करें, ठीक है, थ्री और फाइव को अगर हम कंसिडर करें तो ये क्या कहलाएगा, पॉलीफाइलेटिक ग्रुप कहलाएगा, क्योंकि इसका मोस्ट रीसेंट कॉमन एंसेस्टर सी है और इसका ई है, तो ये दोनों सेम नहीं है, क्योंकि जब उसमें डेफिनेशन में भी ये लिखा, तो जब ये दोनों सेम नहीं है तो इसे हम पॉलीफाइलेटिक ग्रुप बोल देंगे। अगर मान लो ये कंसिडर करें थ्री एंड सिक्स, थ्री एंड सिक्स भी हमारा मोस्ट रीसेंट कॉमन एंसेस्टर नहीं है, दोनों के कॉमन एंसेस्टर डिफरेंट है, इसलिए हम पॉलीफाइलेटिक ग्रुप बोल देंगे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पॉलीफाइलेटिक ग्रुप एंड पैराफाइलेटिक ग्रुप एंड मोनोफाइलेटिक ग्रुप। मोनोफाइलेटिक ग्रुप में क्या था, जो डिसेंडेंट्स होंगे उनका कॉमन एंसेस्टर होगा, बहुत रिसेंट कॉमन एंसेस्टर, जैसे बोल रहा है इट इज कंपोज ऑफ एन एंसेस्टर, एक एंसेस्टर है एंड इट्स आर डिसेंडेंट्स, और इसके डिसेंडेंट्स इससे ही अराइज होगा, ठीक है। तो इन दोनों जो डिसेंडेंट्स हैं इनका कॉमन एंसेस्टर सी है, जो ठीक है। अगर हम यहाँ पे एक मोनोफाइलेटिक ग्रुप और डिस्कस कर लेते हैं, फाइव एंड सिक्स का कॉमन एंसेस्टर क्या है, तो ये फाइव और सिक्स क्या हो जाएंगे, मोनोफाइलेटिक ग्रुप हो जाएंगे, ठीक है। तो ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है हमारी फाइलोजेनेटिक एनालिसिस में, टैक्सोनॉमी में या मॉलिकुलर टैक्सोनॉमी में। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, इसी प्रकार के और टर्मिनोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज थैंक यू फ्रेंड्स।